महिलाओं ने रखा हरदान का तीज का व्रत, निर्जला किया उपवास। नमस्कार, तूफान टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। पूरे शहर में महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए हरदान का तीज का व्रत रखा। इस दिन महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरे दिन उपवास पर रहती हैं, साथ ही गौरा पार्वती का पूजन हवन करती हैं। पूरी रात जागकर कलेरा झुलाते हुए धार्मिक भजन गाए जाते हैं। इसके साथ ही महिलाएं भगवान गणेश की स्थापना की तैयारी भी करती हैं। वहीं सुबह व्रत पूर्ण होने पर कलेरा का विसर्जन किया जाता है तथा भगवान की पूजा उपरांत अन्न जल ग्रहण कर व्रत पूर्ण होता है। इस संबंध में पंडित जी ने विस्तार से जानकारी दी। नमः, हाथ धो लो, षष्ठ प्रक्षरार्थम प्रति प्रकाम ओम ऋषिकेशाय नमः। जल छोड़ो पहले, पाद दो पाद दम सुवर गम मुझे आज की नम चमन दिया आज के बारे सर पाप हम दोनों कर सकते थे उस मनाथ हम प्रति जाता पावन यज्ञ एक स्काई पाए मनाथ हम प्रति जाता हम सुध जाते ओम सुध बाला हरता के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व गण किन्नर ऋषि हर भगवान की विधि अनुष्ठान छंदों से स्तुति छोड़ करके प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप शरीर के अर्ध नारीश्वर पति का वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य का अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझे दासी को वर्णन करने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, हे पार्वती, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया। ओम जय शिव ओम इस व्रत का क्या फल है और कब करना चाहिए व्रत? यह व्रत पति चाहने वाली कन्याओं को, सौभाग्यशाली स्त्रियों को अपने सुहाग की सुख समृद्धि के लिए, सौभाग्य की लंबी आयु के लिए यह व्रत शिवजी का व्रत है जो स्वयं पार्वती जी ने शिवजी की प्राप्ति के लिए किया था। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम से आरंभ किया जाता है और तीजा के निराहार बिना अन्न जल के करके और रात्रि जागरण करना चाहिए और चतुर्थी के दिन इस व्रत का पान होता है। और जो नारियां या कन्या इस व्रत को करती हैं उन्हों उनके लिए मनचाह वर और जो नारियां हैं उनके सुख समृद्धि पुत्र पुत्रों की प्राप्ति होती है। यह भी देने वाला है, सौभाग्य देने वाला है और कुंवारी कन्याओं के लिए मनचाह वर प्रदान कराने वाला, क्योंकि शिव जी जिसके ऊपर कृपा कर देवे ना तो शिव जी की कृपा होने से संपूर्ण देवता की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर हो जाती है जो भक्त भगवान शिव जी की आराधना करता है, उसके सर्व कार्य सिद्ध होते हैं।